जय श्री राम हिंदुस्तान। जय श्री राम। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका विषय ये है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे जितने भी मीडिया कर्मचारी यहाँ पर आए इतनी ठंड में। आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान सीताराम जी हनुमान जी के साथ अयोध्या में वापस आ रहे हैं। वैसे तो भगवान जी कण कण में है, हर जगह है, लेकिन ये हम लोगों की आस्था है। हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान अब अपने घर में वापस आ रहे हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद यही है। हम आप सबके माध्यम से जम्मू कश्मीर की आवाम से और भारत की आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि 22 जनवरी को हो सकता है कि सभी लोगों को वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त ना हो, लेकिन निराश ना हो, क्योंकि 22 जनवरी को 2024 को आप सभी ने अपने घर को दीपावली की तरह सजाना है, क्योंकि उस दिन भगवान राम जी वापस आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपका अगर शरीर वहाँ पर अयोध्या में नहीं पहुँचा तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपनी आत्मा को अयोध्या में भेज सकते हैं, वह आपके हाथ में है। और इसका श्रेय जो है हम अपने संत समाज को देना चाहते हैं। लाखों संतों ने बलिदान दिए तब जाके आ ये चीज़ें जो है वो संभव हो पाई हैं। यदि हमारे संतों का बलिदान नहीं होता तो शायद पता नहीं अब और कितना वक्त लग जाता। और इसी के साथ माननीय जो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर विराजमान हैं, जिनके माध्यम से भी ये सारी चीज़ें जो है वो जल्दी अति शीघ्र संभव हो पाई हैं। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं होते तो शायद पता नहीं और कितना वक्त लगता और कितने संतों को अपनी जान का बलिदान वहां पर देना पड़ता। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश भर में ही कार्य किए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 317 को हटाना बहुत बड़ी बात है। जहां पर कुछ लोग कहा करते थे कि यदि 317 हटेगी तो तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे, कहा करते थे ना, आज वो हाथ भी कायम है, 317 भी टूटी और घर घर में तिरंगा झंडा जो है वो लहराया जा रहा है। और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कुलगाम गुंड क्षेत्र में जाके हमने स्वयं झंडा लहराया, जहां पर ना उससे पहले ना उसके बाद किसी ने लहराया वहां जाकर भी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ में थे।